गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. माई डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग ए कॉम्प्रिहेंशन. आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन प्लेज ए वाइटल रोल टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन. इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. भारत में काम काजी महिलाएँ दोहरी उत्तरदायित्व निभाती हैं. इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली, अगर उनकी शादी हो गया हो और उनका कोई परिवार हो. भारत में कामकाजी महिलाएं को दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं अगर वे शादीशुदा हों या उनको एक परिवार हो. इन द वेस्ट मेनी वुमेन आर हार्ड हिटेड करियरिस्ट एंड आर कमिटेड टू देयर जॉब्स. पश्चिम की जो औरतें होती हैं वे मजबूत चरित्र की होती हैं. मजबूत जो है स्वार्थजीवी होती हैं और समर्पित होती हैं अपने कामों के प्रति. वे जो है मजबूत स्वार्थजीवी होते हैं और अपने कामों के प्रति समर्पित होते हैं. हेयर इन इंडिया वुमेन स्टिल हैव ट्रेडिशनल रोल टू फुलफिल एंड प्रेफर ए करियर टू अवॉइड डोमेस्टिक डर्जरी. यहाँ भारत में स्त्रियां लोग अभी भी अपने पुराने रोल को अदा कर रही हैं पूर्ति करने के लिए और पसंद करती हैं. हाँ, एंड प्रेफर ए करियर, और कोई करियर पसंद करती हैं. सभी प्रकार के घरेलू नीरस कार्य को अवॉइड करके नकारते हुए. देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया. भारत में कामकाजी महिलाएं की 4 कैटेगरियां हैं. सम वर्क व्हाइल दे आर वेटिंग फॉर मैट्रिमोनी. कुछ स्त्रियां काम करती हैं जबकि कुछ लोग जो है मैट्रिमोनी का इंतज़ार करती हैं, शादी का इंतज़ार करती हैं. ए मेजोरिटी वर्क बिकॉज दे आर क्वालिफाइड. और एक बहुत बड़ा समूह जो स्त्रियां के हैं वे काम करती हैं क्योंकि वे शिक्षित हैं एंड वांट ए सेकेंड इनकम एंड ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ. और एक दूसरा तरह के आमदनी चाहते हैं और एक विभिन्न प्रकार का जीवन फॉर पार्ट ऑफ द डे. जीवन के जो बचे हुए समय हैं उसमें वह दूसरे तरह के कार्य करना चाहती है. ए स्मॉल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ करियर वुमेन. और एक छोटी सी जो सेक्शन है वे जो है कि नहीं चरित्रवान स्त्रियों का है. ए साइजेबल सेक्शन ऑफ वुमेन आर ब्रेड विनर्स. और एक जो है निम्न आकार की औरतें जो होती हैं वह जो है ब्रेड विनर होती हैं. मीन्स जो है भोजन की व्यवस्था करने वाली होती हैं. इट इज क्वाइट अपेरेंट दैट विथ ए मेजोरिटी ऑफ वर्किंग वुमेन द फैमिली बिकम सेकेंडरी ओवर द जॉब. इट इज क्वाइट अपेरेंट दैट, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि
विद द मेजोरिटी ऑफ वर्किंग वोमेन, काम करने व कामकाजी महिलाओं के समूह के परिवार हो जाते हैं सेकेंडरी ओवर द जॉब, वे जो है दूसरा तरह के काम करने वाली हो जाती हैं। दे प्रेफर टू स्टे इन ज्वाइंट फैमिली, ये स्त्रियां एक सम्मिलित परिवार में ठहरना पसंद करती हैं। वेयर देयर चिल्ड्रेन कैन बी टेकन केयर, जहां पर कि उनके बच्चों को देखभाल किया जा सकता है। और व्हाइल दे आर एट वर्क, जब वे लोग काम में होते हैं तो उनके बच्चों को देखभाल किया जा सकता है। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, और जब शाम में वे वापस आते हैं। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, और जब वे शाम में वापस आते हैं। फ्रॉम द रिलीवेटली मॉडर्न सराउंडिंग, अपने जहाँ पर काम करते हैं वहाँ से। ऑफ देयर वर्क स्पॉट, देयर पर्सनालिटीज हैव टू अंडरगो ए चेंज, तो उन लोगों का व्यक्तित्व को परिवर्तन करना पड़ता है। टू एकोमेट द डिमांड्स, मांग को समायोजित करने के लिए। टू एकोमोड द डिमांड्स, डिमांड को समायोजित करने के लिए, समायोजित करने के लिए। ऑफ देयर टाइम, उन लोगों का समय का। एंड अटेंशन बाय डिफरेंट फैमिली, और भिन्न भिन्न परिवारों के द्वारा ध्यान दिया जाता है। फैमिली मेम्बर्स हुज पावरफुल फीलिंग्स आर ऑफ हैविंग बीन नेग्लेक्टेड, जिसकी जो शक्तिशाली अनुभव है, जिसको उसको नकारना पड़ रहा है। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिसको कि आप लोग बढ़िया से सुनेंगे और बनाएंगे। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूल लाइफ ऑफ इंडियन वर्किंग वुमेन, या इसको जो है कि नहीं दूसरे तरीके से, द ड्यूल लाइफ ऑफ इंडियन वर्किंग वुमेन इज, और खाली स्थान को भरिए, द ड्यूल लाइफ ऑफ इंडियन वर्किंग इज, खाली स्थान। नेक्स्ट है, ए मेजर नंबर ऑफ इंडियन वर्किंग वुमेन, ए मेजर नंबर ऑफ इंडियन वर्किंग वुमेन, अब क्या करते हैं, खाली स्थान है बच्चों, इसमें आपको भरना है। ए मेजर नंबर ऑफ इंडियन वर्किंग वुमेन, ए मेजर नंबर ऑफ इंडियन वर्किंग वुमेन। नेक्स्ट है, मैनी वुमेन प्रेफर टू लिव इन ज्वाइंट फैमिली, मैनी वुमेन प्रेफर टू लिव इन ज्वाइंट फैमिली, और बिकाउज, क्यों प्रेफर करते हैं, इसमें आपको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी वुमेन चेंज देमसेल्फ आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, बहुत सारी स्त्रियां जब ऑफिस से बाहर लौटती हैं तो अपने आप में परिवर्तन करती हैं। किस लिए परिवर्तन करती हैं, वहाँ पर आपको भरना है। और जो है कुछ मीनिंग है उसको आपको किताब से ढूंढना है। जैसे आप कैटेगरी का सेम मीनिंग ढूंढिए क्या होगा, उसी तरह से आप जो है डिवोटेड का सेम मीनिंग ढूंढिए। डिवोटेड, डी ई वी ओ टी ई डी, डिवोटेड। उसी तरह से
कन्वेंशियल का सेम मीनिंग CONVENTIONAL कन्वेंशियल का सेम मीनिंग आप ढूंढें। और लास्ट जो है मैरिज का सेम मीनिंग क्या होगा उसको आप लोग ढूंढें। तो कॉम्प्रिहेंशन को हमने पढ़ाया और आप लोगों को अपने स्तर से इसे को करने के लिए दिए हैं और इस पर आप अपने प्रैक्टिस जारी रखेंगे और साथ ही साथ आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखेंगे, अनावश्यक इधर उधर नहीं घूमेंगे, स्कूल को बिल्कुल नकारें नहीं, उस पर भी एक नज़र ध्यान रखें और कुछ ऐसा करें ताकि सभी शिक्षक खुश हों और आप लोगों को भी खुश रखने की चेष्टा करें। मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षक कब खुश हो सकते हैं और उसके लिए आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू।